दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनाते वक्त इंजीनियर्स को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, चलिए देखते हैं। बुर्ज खलीफा बनाने के लिए 6 साल का वक्त दिया गया था। 3 साल का वक्त तो सिर्फ उसकी डिजाइन तैयार करने में ही लग जाता, इसलिए इंजीनियर्स ने बिना डिजाइन के ही खुदाई का काम चालू कर दिया। साथ ही साथ डिजाइनिंग का वर्क भी होना शुरू कर दिया था। बुर्ज खलीफा की जमीन के नीचे रेत और छोटे छोटे पत्थरों की भर्ती थी, जिसके ऊपर लाखों टन का वजन डालना बहुत रिस्की था। इसलिए बुर्ज खलीफा की मुख्य नींव में 192 स्टील पाइप बिठाई गई, जिस पर बिल्डिंग का पूरा वजन एक समान बढ़ सके। लाखों टन वजनी और 160 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए कोई साधारण डिजाइन काम का नहीं था, इसलिए शिकागो की एक कंपनी ने दुनिया में पहली बार बटरस स्ट्रक्चर डिजाइन किया। बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गई, लेकिन वर्षों से जमीन, धूल, मिट्टी और गंदगी साफ करने के लिए वर्कर्स को कुछ इस तरह रस्सियों से लटककर कांच की खिड़कियों को साफ किया गया। आज भी बुर्ज खलीफा के बाहरी हिस्से को वर्कर्स इसी तरह से साफ करते हैं। बुर्ज खलीफा के निर्माण के दौरान बहुत ऊंचाई तक पहुंचते कंक्रीट सूख जाता था, या फिर उसमें रेत, कपची, सीमेंट और पानी आदि अलग अलग हो जाते थे। इसलिए 1,00,000 हाथियों जितना वजनदार कंक्रीट पुश करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर पंप का उपयोग किया गया। इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए स्पेशल क्रेन बनाई गई, और जिनको ऊंचाई से जरा भी डर ना लगे ऐसे बेस्ट क्रेन ऑपरेटर हायर किए गए। कांच की खिड़कियां लगते ही दुबई की तेज गर्मी में बिल्डिंग के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था। इस वजह से सूरज की यूवी किरणों को वापस भेज दे ऐसे स्पेशल कांच बनाए गए। ऐसे एक कांच की कीमत $2,000 थी, और बुर्ज खलीफा में ऐसे 24,000 कांच लगाए गए। बुर्ज खलीफा की चोटी पर 136 मीटर ऊंचा और 350 टन वजनी स्टील का पाइप लगने वाला था। यह पाइप बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया गया, और इसे अलग अलग टुकड़ों में इमारत की चोटी पर जॉइंट किया गया। दोस्तों, क्या आपने बुर्ज खलीफा देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।